हेलो गाइज, वेलकम टू मैलेंस पार्क प्लग सुभाष यार। टुडे आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो, और इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक छोटी सी राइड। और इस राइड में मैं सोलो हूँ, और ज़्यादा लंबी राइड भी नहीं है, 40-45 किलोमीटर की राइड है। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको एक अच्छी सी प्लेस शिमला की, तत्तापानी। और अभी मैं गन्हाटी से निकल रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ से अराउंड 39 किलोमीटर है तत्तापानी। तो चलिए राइड स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाइक पर। अभी अभी मैंने जस्ट बागीपुल क्रॉस किया। गन्हाटी से यहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कुछ किया नहीं था, क्योंकि व्यू उतना अच्छा नहीं था और सिंपल से रोड्स थे, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बागीपुल के बाद मुझे रोड भी अच्छा मिला और व्यू भी बहुत अच्छे होने लग गए। यहाँ पर रोड बहुत अच्छा है और मैं वर्सेस को चलाने में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। और यहाँ पर ट्विस्टीज बहुत है, हेयर पिन बैंड्स है 3-4, तो उससे व्यू और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा जल्दी आता तो और ज़्यादा अच्छा व्यू मिल सकता था, क्योंकि अभी सनलाइट पूरी तरह से फैल चुकी है, तो मॉर्निंग के टाइम में और ज़्यादा अच्छा व्यू आता। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Insta360 1R से, और इसे मैंने प्लेस किया है प्रोलाइट के एक मोनोपॉड के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा मोनोपॉड है, ये मैक्सिमम 8 किलो तक का लोड उठा सकता है, और ये आई थिंक 7 फीट लंबा तो होगा ही होगा। तो शॉर्ट्स तो आप देख ही रहे हो किस तरह से आ रहे हैं। अगर आपको ये लेना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उसके बाद आप इसको DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हो, GoPro के साथ यूज़ कर सकते हो, आप 360 कैमरा के साथ इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं राइड को एंजॉय कर रहा हूँ, रोड्स बहुत अच्छे हो चुके हैं बागीपुल के बाद, और वर्सेस ट्विस्टीज में चलाने के लिए वर्सेस और ज़्यादा अच्छी लगती है अगर रोड अच्छे हो। आई थिंक मुझे यहाँ से लेना है लेफ्ट। भैया तत्तापानी सीधा ही है, एक ही रोड। अभी हो रहे हैं 10:46, और अभी भी लगभग मुझे 25 किलोमीटर और जाना है। मैं थोड़ा सा रुक गया था फोटोग्राफ लेने के लिए और कुछ शॉर्ट्स लेने के लिए। और अगर आप लोग उन शॉर्ट्स को देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है SBBZZ, और जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ओह माय गॉड, आगे कुछ रोड तो नहीं है ख़राब, ऐसा ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा। आगे जा सकते हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से 39 किलोमीटर है, और अभी सिर्फ मैंने 15 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि मैं बहुत रुक रुक के आया, हल्का सा सेटअप किया। रोड अभी तक तो बहुत अच्छे थे, अब थोड़ा सा डस्टी सा रोड हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो रोड फिर भी अच्छे ही है। चलिए गाइज, अभी तो कुछ दिखाने को है नहीं है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो हम लोग, अगर मैं कहीं पे रुकता हूँ या फिर कोई शॉट लेता हूँ तो फिर मैं उसको दिखाता हूँ। अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था यहाँ पे, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पर बाइक नहीं जाती आई थिंक, नहीं तो मैं पक्का लेके जाता। और मैंने हल्के से ड्रोन शॉट लिए थे यहाँ पे, और उसके बाद अब मैं फिर से चलने लगा हूँ। अभी लगभग यहाँ से शायद से 10 किलोमीटर है, तो हमको लगेगा 15-20 मिनट, और रोड्स बहुत अच्छे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार इस राइड को,
टाइम हो रहा है 11:33। मैं रुकते रुकते आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे से शॉर्ट्स ले रहा हूँ। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ तत्तापानी। मेरी राइट साइड पे है लेक, द फेमस तत्तापानी लेक। और अब मैं देखता हूँ कोई अच्छा सा व्यू पॉइंट जहाँ से हम इस व्यू को एंजॉय कर पाए। गाड़ी वाले से बच के रहना पड़ेगा। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा इस व्यू के साथ। और अब देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल सामने मेरी लेक है और वो उधर साइड को बहुत दूर तक है लेक। मैं एक स्टोरी बना देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर रुक के मैं कुछ एक फोटोग्राफ लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे का। अभी के लिए मैं यहाँ पर रुक के कुछ एक फोटोज लेता हूँ और वो फोटोग्राफ्स आपको मेरी इंस्टा आईडी पे मिल जाएंगे, जाके फॉलो कीजिए। इस ब्रिज से तो और ज़्यादा अच्छा व्यू आ सकता था, लेकिन यहाँ पे शायद से रुकने नहीं देंगे मुझे। ये है तत्तापानी की मार्केट और आई थिंक लोकल मार्केट ही होगी क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ड्रोन सिर्फ एक फ्लाइट उड़ाई क्योंकि उसके बाद यहाँ पे पुलिस आ गई थी तो थोड़ा सा इश्यू हो गया। इश्यू तो क्या, तो पुलिस वालों का कहना था कि अभी यहाँ पे उड़ा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोविड के कारण कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस करके मैंने ड्रोन नहीं उड़ाया। और जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं इंस्टा 360R से, 360 वाले मोड से। और उसमें मैंने यूज़ किया है प्रोलाइट की एक मोनोपॉड है, प्रोलाइट कंपनी का एक मोनोपॉड है। और जो भी ये शॉर्ट्स देख रहे हो आप, ये सारे 360 शॉर्ट्स उसी मोनोपॉड से हैं। अभी टाइम बज रहे हैं 2:158। मैं हल्का सा रुक के यहाँ पे कुछ एक फोटोज लेता हूँ, उसके बाद हम फिर से चलते। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हिमालयन स्पार्क प्लग को। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और वर्सेस चलाने में और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस राइड में। पहली आई थिंक
पहली राइड थी ये हिमाचल में जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ऐसे रोड्स में तो और ज़्यादा अच्छे से चलाने का मज़ा आता है वर्सेस को, क्योंकि आप इसको इजीली ट्विस्ट कर सकते हो और पावर तो है ही है, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। तो अभी के लिए बाय बाय, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हिमालयन स्पार्क प्लग को। टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड।